चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होना ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होना। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होने हेतु आप ज्ञान दीपकों को यहाँ अत्यंत दूर दूर से आमंत्रण भेजा है। चैतन्य तत्व के
की निर्विकल्प अनुभूति हो और मेरी सत्ता कहाँ है ऐसी अनुभूति कि जिस चैतन्य सत्ता में न तो अत्यंत दूरवर्ती संयोग है न तो ये राग की दीवार के परमाणु है न तो रागादि विकारी भाव है न तो रागादि विकारी भावों को अपना मानने वाला मिथ्यात्व है और चैतन्य सत्ता में स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मलता भी चैतन्य सत्ता में कहीं भी नहीं। ऐसी चैतन्य सत्ता की निर्विकल्प अनुभूति यही आत्मानुभूति है और ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होते ही प्रति समय ज्ञानी को जागृति रहती है। फिर भले ही ये संयोग जानने में आए या फिर संयोगी भाव जानने में आए या फिर आत्मा की निर्मलता जानने में आए, उस निर्मल अवस्था में भी जिनका अपनापन स्थापित नहीं होता, यहाँ तक कि निर्मलता को जानने की रुचि भी आत्मा की मलिनता है, ये रहस्य समझ लिया जाए। चैतन्य तत्व जो अनादि अनंत शुद्ध निर्मल है और चैतन्य तत्व में पर्याय के ढलने पर जो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है, अनादि काल से ऐसी निर्मलता प्रकट नहीं हुई थी। जिस समय की पर्याय में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब पर्याय सहज ही ज्ञान में जानने में आती है, वो निर्मलता सहज ही ज्ञान में जानने में आती है। जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई तो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते ही आत्मा में जो आंशिक वितरागता प्रकट हुई, शुद्धता प्रकट हुई, ये शुद्धता सहज ही ज्ञान में जानने में आ जाती है। और ये शुद्धता ज्ञान में जानने में तो आ जाती है, मगर ये जो शुद्धता जो ज्ञान में जानने में सहज आ गई, उस निर्मलता और उस शुद्धता की रुचि, उस रुचि का नाम ही मिथ्यात्व है। वो मिथ्या दर्शन है कि वो जो निर्मल पर्याय की रुचि हुई, वो निर्मल पर्याय की रुचि वह भी मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्याय की रुचि मिथ्यात्व है। फिर वो मलिन पर्याय हो और या वो निर्मल पर्याय हो, उससे कोई लेना देना नहीं। पर्याय मात्र की रुचि बस अनित्य की रुचि, क्षणिक की रुचि, बहते प्रवाह की रुचि और टिक्कर के न ऐसा रहने वाला ऐसा जो ये प्रवाह, उस प्रवाह की रुचि, उस प्रवाह की रुचि का नाम अज्ञान है, मिथ्यात्व है और वो संसार। और इसलिए ये जागृति रहे कि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते हैं, निर्विकल्प अनुभूति होती है। जैसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वह शुद्ध स्वरूप अनुभव में आया और ऐसा अपनापन स्थापित हुआ, अपनापन स्थापित हुआ कि यह चैतन्य तत्व ही मैं,
और उसी समय आत्मा में पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई, और वो पर्याय में निर्मलता प्रकट होने का स्वरूप और निर्मल अवस्था जब आत्मा में प्रकट होती है उस समय भी वो जो जानने में आती हो तब भी वो उसमें रुचि न होना, और वो दशा ज्ञानी की सतत ऐसे ही टिक करके कैसे रहती है उसके संबंध में मैं आज एक ज्ञान दीपक तुम्हें 23वां बोधामृत परोसता हूँ। 23वां बोधामृत, ये बोधामृत वे है जो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए एक बोधामृत ही पर्याप्त है। यदि उस बोधामृत का भाव समझ लिया जाए, उसका आशय समझ लिया जाए, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, आत्मा की जो पर्याय जैसे ये ज्ञान की पर्याय जगत के पदार्थों को अनादि काल से जानती है, अब ये पर्याय जो है वो जगत के पदार्थ को जानती है, फिर दूसरी अवस्था ज्ञान की, दो अवस्था के बीच में कोई गैप कोई खाली जगह नहीं है, एक अवस्था नष्ट हुई कि दूसरी अवस्था उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने वाली इस अवस्था में ये जानने में आया, वो एक समय के लिए वो जानना हुआ और वो व्यय हुआ, तभी नई अवस्था उत्पन्न हुई, ऐसे अनादि अनंत ये ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आते हैं, और जिस समय ऐसा जानने में आया ये जगत के जो ज्ञेय, ये ज्ञेय नहीं मगर ये ज्ञान का ही जो परिणमन निरंतर हो रहा है, उस ज्ञान के निरंतर होने वाले सहज परिणमन में जो नहीं परिणमित होता ऐसा अपरिणामी चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये ज्ञान की पर्याय में जब जानने में आया तब जानने में आते ही अनंतानुबंधी कषाय छूट गया, वो अनंतानुबंधी कषाय छूटा अर्थात अनंतानुबंधी राग द्वेष छूटा, वो अनंतानुबंधी कषाय छूटा अर्थात कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ छूटा, वो छूटा माने वो जगत के जीवों के प्रति तो क्रोध मान माया लोभ का भाव जो है वो आता है, मगर निज आत्मा के प्रति होने वाला जो ये विकार था वो विकार मिट गया, वो निज आत्मा की ओर जो अनादि से देखा नहीं और मुंह मोड़ करके रखा था, इसलिए मैं आपको कहता हूं एक समय भी अब व्यर्थ में देरी न करके अभी उस स्वरूप की अनुभूति को उपलब्ध हो, समय में आपको भी कहता हूं समझते नहीं हो बहुत कम है, फिर तुम मेरे शब्दों को याद करोगे, मैं जो तुम्हें कहता हूँ ऐसा स्पर्श तुम्हारे अंतर में हो जो मैं तुमसे कहता हूँ, वो स्पर्श कैसा हो वो मैं आपसे कहता हूँ, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब वितरागता प्रकट होती है, वितरागता जब प्रकट होती है आंशिक वितरागता ही प्रकट हुई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ छूट गया, चौथा गुणस्थान आया, चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, आंशिक वितरागता प्रकट हुई, निर्मलता प्रकट हुई, वो जो निर्मलता प्रकट हुई उस निर्मलता का ज्ञान में जानने में आना होता है, वो निर्मलता भी ज्ञान में जानने में आती, और अभी तीन कषाय चौकड़ी के उदय से जो अभी मलिनता है वो मलिनता भी ज्ञानी को पता है कि इतनी मलिनता अभी बाकी है, मगर वो निर्मलता को भी जानते हैं और मलिनता को भी जानते हैं,
फिर भी रुचि न तो वो निर्मलता की है, न रुचि वो मलिनता की है, रुचि चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की है। पर एक समय की ऐसी रुचि जग जाए ना भगवान, एक समय की ऐसी रुचि जागृत होना, इसी का नाम अनंत जन्म मरण से मुक्ति होना। उस स्वरूप का दर्शन होना, स्वरूप का दर्शन होना कि जहां खंड खंड में विभक्त होने वाली उस पर्याय की रुचि मिट जाना। क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान में 25% समझने के लिए 25% वितरागता प्रकट है चौथे गुणस्थान में, और 75% अभी राग द्वेष है, तीन कषाय चौकड़ी के उदय इस हिसाब से समझने के। तो 25% और 75%, ये टुकड़ा 25% भी एक टुकड़ा होगा और 75% भी एक टुकड़ा होगा, और जब सत्ता स्वरूप अनादि अनंत ये भगवान आत्मा जो टुकड़ा नहीं है, जो सत्ता मात्र, जो अखंड है, जो परिपूर्ण है, और उस परिपूर्ण चैतन्य तत्व की ओर जब दृष्टि गई थी, दृष्टि गई कि ये टुकड़ा 25% वाला है, नहीं तो वो टुकड़ा भी नहीं होता, मगर जब वो परिपूर्ण चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि है, ऐसे ज्ञानी वो परिपूर्ण चैतन्य तत्व को छोड़ करके उसकी ओर से नजर हटाकर इस 25% में रुचि क्यों लेंगे, अपनापन क्यों करेंगे? रुचि का अर्थ अपनापन, रुचि का अर्थ अपनापन, रुचि का अर्थ कि यही मैं, ये मैं। इसलिए शरीर का जो एक एक परमाणु तुम्हें जब दिखाई दे, तब एक एक परमाणु में जैसे अभी पूरी तरह से तन्मयता है कि ये मैं। कोई दूर से तुम्हें गोली मारे, गोली यहाँ हाथ में लगे या इस हाथ में लगे, मगर हाथ में लगने से पहले ही तुमने हाथ हटा लिया और किसी को कहा कि मुझे गोली लगती, बच गई, फिर मुझे गोली लगती, बच गई, फिर ये हाथ यहाँ पर है, फिर हाथ हटा लिया कि मुझे गोली लगती, बच गई। तो ये जो परमाणु की सत्ता, यहाँ पर गोली नहीं लगी, मैं बच गया, यहाँ जो अनंत परमाणु, यहाँ गोली नहीं लगी तो मैं बच गया। अनंत परमाणुओं में इतनी अपनेपन की वो सत्ता स्थापित की है कि यही मैं बच गया, यानी ये गोली वो यहां नहीं छुई, मगर अंदर से ही वो भाव वही निकलता है, मैं बच गया, मैं माने ये इसमें इतनी तन्मयता कि ये शरीर मेरा ऐसा नहीं, यही मैं, ये जो परमाणु का पिंड, यही मैं, यही मैं हूं, ऐसा परमाणु में वो अपना पद। गाड़ी में गोली लगती तो ऐसा नहीं कहता कि मैं बच गया, मेरी गाड़ी बच गई। टेबल कुर्सी टूटने फूटने से बचते तो मेरी वस्तु बच गई, मगर यहां तो मैं ही बच गया, मैं ही बच गया, मैं बच गया, क्योंकि ये परमाणु में अपनी सत्ता स्थापित की है, उसको ज्ञानी ने रुचि कहा। रुचि माने ऐसा एकत्व, ऐसा मैं बना स्थापित करना कि यही मैं। और ऐसे जैसे परमाणु में अपनापन स्थापित है, ऐसा ही अपनापन चैतन्य के अखंड ऐसे सत्ता स्वरूप में अपनापन स्थापित कि यही चैतन्य तत्व मैं। अपने चैतन्य की सत्ता में से बाहर निकल करके वो चाहता है कि किसी पड़ोस में जाओ, और पड़ोस में जो पड़ोसी का जो घर है उसमें ऐसा अपनापन स्थापित करो, पड़ोसी में जाओ और उसमें अपनापन स्थापित करो। ज्ञानी को वो मिथ्या मान्यता छूट गई, अज्ञानी को जो मिथ्या मान्यता है कि
कि ये परमाणुओं में मैं अपनापन करूं, और ज्ञानी को ये जागृति है कि मैं चैतन्य सत्ता में टिककर रहने वाला भगवान आत्मा और ये पराया घर, ये यहां वहां से ये परमाणुओं का मेरे पास में आ जाना और सुव्यवस्थित ऐसे सेट हो जाना, मगर उसमें मैं कहीं पर भी नहीं, ऐसी जो जागृति प्रकट होने पर मलिन पर्याय में तो नहीं, निर्मल पर्याय में भी ज्ञानी की रुचि नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें जो 23वां बोधामृत परोसता हूं, ये 23वां बोधामृत लिखा गया था, बहुत दिन बीत गए, मगर आज के ही दिन ये बोधामृत आना था। ये बोधामृत में एक भी शब्द आगे पीछे नहीं हुआ है। जब कुवैत में आधी रात को 12 बजे ये बोधामृत लिखा गया था, और आज का ये बोधामृत है। बेटी की तरह बेटे से भी आशा मत रखना, ये जो वाक्य है आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यवहार का वाक्य है, मगर इसमें भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा भाव। बेटा और बेटी ये दोनों ही जन्म लेते हैं मां से, मां में से जन्म लेने वाले ये बेटे और बेटी, मगर जैसे ही बेटे का जन्म होता है मां मानती है, तभी से मानती कि ये हमेशा जीवन भर मेरे साथ में रहेगा। और जब बेटी का जन्म हुआ ये जैसे ही माने जाना, तभी वो विदाई ले रही, वो उसको दिख गया ये हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाली, इसलिए मेरे बुढ़ापे में भविष्य में ये बेटी मुझे काम में नहीं आने वाली, मगर बेटा मुझे काम में आने वाला है। अज्ञानियों की ये मान्यता है, और इसलिए ये बोध लिखा। ये बोध का भाव ये दुनिया के बेटे बेटी से नहीं है कि जो चला जाता है वो बेटी और जो नहीं जाता है वो बेटा, जो टिककर रहता है। तो आत्मा में से दो प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती है, जो राग और द्वेष की पर्याय वो बेटी है, क्योंकि वो राग द्वेष की पर्याय छूट जाती है, और वितरागता की पर्याय है वो बेटा है जो अनंत काल तक साथ में रहती है। मगर ज्ञानी की जो रुचि न तो बेटे में है न बेटी, दोनों में किसी में भी नहीं है। ज्ञानी की रुचि जैसे बेटी में नहीं है, ऐसे ही बेटे में भी नहीं है। ज्ञानी की रुचि जैसे राग और द्वेष में नहीं है, ऐसे वितरागता में भी नहीं है। ज्ञानी की रुचि अपने चैतन्य स्वरूप में है। ज्ञानी परतंत्र और पराधीन नहीं होते। ये बोध जब लिखा गया था तब कुछ दृश्य मैंने देखे थे। ये जो बोध लिखा गया था बेटी चली जाती है, बेटा टिक कर रहता है। अपने घर में बेटी का जन्म हुआ और बेटी को विदा कर दिया, क्योंकि बेटी तो रहने वाली नहीं, उसे विदा तो होना ही था।
मगर बेटी जहां विदा हुई और जिस लड़के के साथ बेटी की शादी हुई, हम यह मानते हैं कि बेटी को जाना है, बेटी हमेशा नहीं रहेगी, मगर वहां और यहां, यहां की मां जो है वो कहती है कि बेटी को जाना ही है और वहां की मां कहती है बेटा तो हमेशा रहेगा, बेटा तो हमेशा रहेगा, बेटा भी हमेशा नहीं रहता, वो बेटी की तरह ही हमेशा नहीं रहता। वो कोई अमर बोल लेकर थोड़ी आया है कि वो हमेशा रहेगा। जब निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ज्ञानी को यह जागृति है कि केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रकट हो तो भी वो जन्म और मरण से युक्त है, इसलिए मुझे उसकी रुचि नहीं, केवल ज्ञान की रुचि नहीं, मैं सत्ता स्वरूप त्रिकाल चैतन्य तत्व में अपनापन छोड़ करके वो जन्म लेने वाली केवल ज्ञान की एक समय की उस पर्याय में अपनापन क्यों करूं? उसकी रुचि नहीं, उसको भी सहज रूप से जानते हैं। केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद केवल ज्ञान की रुचि उसमें अपनापन नहीं, वो जो सत्ता है ना, वो सत्ता का भाव बहुत गहरा है। जैसे एक व्यक्ति अभी यहां अंधेरे में विराजमान है, अंधेरा है यहां, अंधेरे में विराजमान वो व्यक्ति अब धीरे धीरे रात आगे जा रही है, अब सुबह हुई तो उजाला हुआ, अब सूर्योदय होते ही उजाला, वो व्यक्ति अभी बैठा ही। एक व्यक्ति जो अंधेरे में बैठा है, उजाला होने के बाद में ही वो बैठा है, उस व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व अंधेरे के कारण नहीं है, और जैसे अंधेरा नष्ट हो गया तो वो व्यक्ति तो रहा और उजाला आया तो भी वो व्यक्ति जैसा अंधेरे में है ऐसा उजाले में है, अंधेरे के कारण उसकी सत्ता नहीं और उजाले के कारण भी उसकी सत्ता नहीं। अंधेरा और उजाला ये दोनों है, मगर अंधेरे के कारण और उजाले के कारण उस व्यक्ति की सत्ता नहीं है, उस व्यक्ति की सत्ता उसका होना अपने कारण है, बस उसकी जागृति उसकी रुचि। अंधेरे में एक व्यक्ति अंधेरे में सो रहा, अब वो उजाले में भी सो रहा, अंधेरे में वो है और उजाले में है, उजाला होते ही आप रोने नहीं लगते, या तो उजाले से फिर अंधेरा हो जाए तो रोने नहीं लगते। एक व्यक्ति के चारों ओर उजाला था, अभी रात हो गई अंधेरा हो गया, या फिर अंधेरा था और सुबह हुई उजाला हो गया, हम लोग रोने नहीं लगते, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधेरा हो या उजाला हो उसकी सत्ता तो सदाकाल रहेगी, अंधारा और उजाला ये दोनों उसके कारण उसकी सत्ता को फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही जागृति ज्ञानी को है कि ये मिथ्यात्व की पर्याय और सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक दर्शन होते ही वो सम्यक दर्शन के कारण खुश नहीं होते, चैतन्य तत्व की रुचि ऐसी है कि वहां आनंद प्रकट होता है, सम्यक दर्शन आनंद का कारण नहीं बनता, चैतन्य तत्व के आश्रय से वहां पर सहज आनंद प्रकट होता है, मगर पर्याय की रुचि के कारण पर्याय में आनंद प्रकट नहीं होता। मिथ्यात्व गया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, प्रकट हुआ मगर प्रकट होते भी वहां पर भी उसमें भी अपना क्यों नहीं होता, उसका कारण एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी
बरस की उम्र में शादी हुई और 60 साल तक दोनों साथ में रहे। फिर अंत में 10 साल 60 साल के बाद थोड़ा झगड़ा हुआ, मगर फिर भी धीरे 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 करके ऐसा हुआ कि 90 वर्ष की उम्र में पत्नी की मृत्यु हुई। अब पत्नी मर गई, अब उसे 90 वर्ष की उम्र में ऐसा हुआ कि कोई दूसरी पत्नी मिली। अब 90 वर्ष में उसे दूसरी पत्नी मिली, वो दूसरी पहली पत्नी में से तो उसका रस छूट गया, मिट गया, वो तो गई, मगर दूसरी पत्नी में अब वो अपनापन कैसे करेगा कि ये सदा मेरे साथ रहेगी, उस पर कैसे भरोसा करेगा। 70 साल साथ में रहने वाली ने भी साथ छोड़ दिया, तो अभी अभी जो आई उस पर मैं कैसे भरोसा करूं और अपनापन करूं। अनादि काल से साथ में रहने वाली मिथ्यात्व की पर्याय नष्ट हुई और सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, तो अनादि से साथ में रहने वाली ने भी साथ छोड़ दिया, नहीं रही, तो अभी अभी जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई उस पे मैं अपनापन कैसे करूंगी, हमेशा रहे। 70 वर्ष तक साथ में रहने वाली पत्नी भी छोड़कर गई, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये मिथ्यात्व छोड़कर गया, तो फिर ये सम्यक दर्शन का मैं क्या भरोसा करूं। इसलिए वो सम्यक दर्शन भी पर्याय उसकी रुचि मत लेना, ऐसी चाहिए, और वो सम्यक दर्शन होगा होगा होगा, मगर रुचि चैतन्य तत्व की और वो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। भगवान ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होने का भाव ये बहुत गहरा है। भगवान होने की भी रुचि नहीं, जो भगवान होना चाहता है वो अनंत जन्म मरण करना चाहता है, अनंत जन्म मरण करना चाहता है, वही भगवान होना चाहता है। क्योंकि भगवान की भी वो पर्याय है, वो भगवान की पर्याय भी पलटती रहती है सदा काल, वो टिक करके एक सी नहीं रहती, अवस्था वो अवस्था बदलती रहती है। केवल ज्ञान की पर्याय है, वो केवल ज्ञान की पर्याय भी हमेशा वो टिक करके नहीं रहती। ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान तो अनंत काल तक रहेगा, मगर उसमें भी परिणमन होता है, पलटना 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 होता है, वो एक सा नहीं होता, एक सा नहीं होता। उसका भाव क्या है, एक सा नहीं होता अर्थात जैसा केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है वो सदा इस समय की पर्याय में जैसा जानने में आया अगले समय की पर्याय में कुछ अलग जानने में आता। केवल ज्ञान की पहले समय की केवल ज्ञान की पर्याय, दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय, तीसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय, पर्याय में भी नया 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 जानना होता है। वो क्यों होता है, उसका रहस्य समझने जैसा है, तब ये समझ में आएगा कि अब तो हमें केवल ज्ञान की पर्याय की भी रुचि नहीं। और जब वो रुचि नहीं रहती तब सम्यक दर्शन होता है, केवल ज्ञान तो बाद में होता है, मगर केवल ज्ञान की रुचि नहीं रहती तब सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि त्रिकाली का आश्रय लिया कि सम्यक दर्शन प्रकट हो। क्या बताया, 3 बजे केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो 3 बजे केवल ज्ञान की पर्याय में ये सब जानने में आएगा। क्या क्या कि 3 लोक 3 काल का अलोक लोक सब सब जानने में आए। तो 3 बजे जब भगवान के ज्ञान में ये जानने में आता है तो 3 बजे क्या हो रहा है,
3 बजे मैं सत्संग के लिए बैठा हूं, ये 3 बजे सत्संग के लिए बैठा, और 4 बजे क्या होने वाला है कि 4 बजे मैं फलाहार लूंगा और 5 बजे मैं घूमने जाऊंगा। ये 3 घटना, सत्संग के लिए बैठना, फल आहार लेना और घूमने जाना। तो जब 3 बजे केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब 3 बजे भगवान के ज्ञान में क्या जानने में आया, सब जानने में आया। ये 3 बजे की घटना भी जानने में आती है, 4 बजे की भी जानने में आती है, 5 बजे की भी जानने में आती है, सब जानने में आता है। और जब 4 बजे तब 1 घंटे के बाद में केवल ज्ञान की पर्याय में क्या जानने में आएगा, वही कि 3 बजे की घटना, 4 बजे की घटना, 5 बजे की घटना, सब जानने में आएगा। मगर उसमें फर्क पड़ेगा, वो क्या कि 3 बजे केवल ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आया कि ये सत्संग करने वर्तमान में बैठा और फल खाएगा और घूमने जाएगा, ये भविष्य में, अभी खा रहा ऐसा नहीं, वो भविष्य में ये करने वाला। और जब 4 बजे तब सत्संग कर रहा था, घटना तो वही की वही दिखाई देगी, सब घटना, मगर जो भविष्य काल की घटना थी वो 4 बजते ही वो वर्तमान के रूप में जानने में आती। और 3 बजे की जो घटना थी जो वर्तमान में, वो भूतकाल के रूप में जानने में आती। और ऐसे ही एक एक काल के बदलते ही भविष्य काल वर्तमान और वर्तमान काल भूतकाल, ऐसा केवल ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में नया 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 जानने में आता है। जानने में आने वाली घटना तो सब है, मगर घटना का काल क्रम बदलता है, काल के हिसाब से केवल ज्ञान की पर्याय बदलती है, काल के हिसाब से। और पर्याय जो है वो काल के हिसाब से ही बदलती है, पर्याय तो काले बदला है, काले थोड़ी बदला है, काल ना क्रमे चित्त पर्याय बदला है, इतने पर्याय की देखिए, एक एक समय 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 बदला है। केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोक, अलोक और 3 काल का सब ज्ञान होता है, मगर वो कैसा होता है, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया है, वर्तमान वत। वर्तमान वत का मतलब वो ऐसा नहीं है कि सब वर्तमान में हो रहा है ऐसा जानते हैं, भूतकाल में ऐसा हुआ था, केवल ज्ञान वो जानने में आता है, मगर ये इतने काल के बाद में ये ऐसी घटना घटित होगी, श्री कृष्ण तीर्थंकर होंगे, तो तीर्थंकर होंगे ये जब जानने में आया, तो ऐसा नहीं कि वर्तमान में तीर्थंकर हो गए, वो तीर्थंकर होंगे, मगर वो जो घटना भविष्य में घटित होने वाली है वो ऐसे ही जानने में आती है जैसे वर्तमान में प्रत्यक्ष जानने में आता है, नजर के सामने जैसे वस्तु जानने में आती है ऐसे ही वो घटना जानने में आ जाती है, मगर घटना भविष्य के रूप में जानने में आती है, और वो जो पर्याय जो भविष्य के रूप में जानने में आती है फिर वो वर्तमान होगी, वो पलटेगी, और जो पलट जाती है ऐसी पर्याय में ज्ञानी को रुचि नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं बेटी की तरह बेटे पर भी वो अपेक्षा, बेटे से भी अपेक्षा मत रखना। दिकरीनी जेम दिकरा पासे थी कौन अपेक्षा न रखना, अपेक्षा न रखना उसके पीछे गहरा भाव कि परतंत्र हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, तंत्र और पराधीन होने की जरूरत, हाथ
कहलाने की जरूरत कब पड़े कि जब अपने में कोई कमजोरी हो तब किसी और से हाथ फैलाना पड़े। इसलिए ये कहा कि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ज्ञानी मोक्ष नहीं जाते, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर मोक्ष ज्ञानी के पास आता। और वो कैसे, उसका भी रहस्य यदि समझ में आए तो समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सहजता कैसे होती। सहज एवी रीते जब पोताना हाथ में कोई लगाव नहीं, 10 वर्ष पछी मोक्ष थवानो छे। आज सम्यक दर्शन प्रकट थी, 10 वर्ष पछी मोक्ष थवानो छे। अरे अहींया आव्यो थियो आ सम्यक दर्शन नी परी आ पछी 1 वर्ष पछी नी परी आई, 2 वर्ष पछी नी परी आई, 3 वर्ष पछी नी, 4 वर्ष पछी नी, एवी रीते 10 वर्ष पछी नी परी आई मोक्ष नी। तो ज्ञानी को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ज्ञानी मोक्ष नहीं जाते, मगर क्या होता कि ये जो पर्याय है ये पर्याय आगे जाती है। वर्तमान की जो पर्याय है वो भूतकाल हो जाती है। और जैसे एक समय आगे बीता, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, ऐसे समय बीतता है, ऐसे ही जैसे काल बीता कि भविष्य की पर्याय वर्तमान में आती, फिर वो भूतकाल हो जाती है, फिर भविष्य की पर्याय वर्तमान में आती, फिर वो भूतकाल होती है। तो ऐसे 10 साल के बाद की जो पर्याय है वो क्रम से आगे 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 आ रही है। वो पर्याय काल के हिसाब से, ये कहा काल पलटता है, काल के पलटते ही वो पर्याय नजदीक आती जाती है। ज्ञानी उस पर्याय के पास में नहीं जाते कि कब वो मोक्ष होगा, मोक्ष की खोज ज्ञानी नहीं करते। जब ऐसी दशा प्रकट होती है कि मोक्ष की पर्याय की ओर भी वहां पराधीनता करनी जरूरत नहीं, पराधीन होना और अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं, जितनी भी महत्वाकांक्षा है अपेक्षा है वो ही तो दुख है। एक सम्राट हुआ जो मरते समय कह के गया था कि मेरे हाथ जनाजे के बाहर रखना। अलेक्जेंडर सिकंदर, और जब वो हाथ बाहर रखना, सिकंदर ने ये कहा और उसके हाथ बाहर रखे गए। इस पृथ्वी पर उससे पहले किसी के हाथ बाहर नहीं रखे गए और उसके बाद भी किसी के हाथ बाहर नहीं रखे गए, और सिकंदर के हाथ बाहर रखे। सिकंदर बहुत दौड़ा था, बहुत दौड़ा था, और दौड़ा था धन के पीछे, इसलिए हाथ खाली रहे ऐसा नहीं, दौड़ा था संपत्ति के पीछे इसलिए हाथ खाली रहे ऐसा नहीं, वो दौड़ा था इसलिए हाथ खाली रहे, बस दौड़ा था। क्योंकि जब तक कोई दौड़ता है तब तक खाली रह जाता है। और दो प्रकार के अपराध करने वाले लोग इस पृथ्वी पर है, कोई दौड़ते हैं धन के लिए और कोई दौड़ते हैं मोक्ष के लिए, कोई दौड़ते हैं राग की पूर्ति के लिए और कोई दौड़ते हैं वितरागता की प्राप्ति के लिए, और दोनों को
वो सत्य की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि दौड़ने वाले को नहीं होती। दौड़ना मतलब कहीं और है, यहाँ नहीं, उसका मतलब दौड़ना। दौड़ने का मतलब यही है कि कहीं और जाना है। दौड़ने का मतलब है कि अपने से नाखुश, अपने से असंतुष्ट, अपने से इतना नफरत करता है कि कहीं और भागना चाहता है, तभी तो यह दौड़ना हो रहा। वो दौड़ मिट जाने का नाम ही स्वयं की अनुभूति है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति रहे, ये जो अनुभूति का स्वरूप है अत्यंत न्यारा है। मैं बोलता हूं, अगर मेरे बोलने से भी तुम्हें वो अनुभूति तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। जिंदा आदमी है और एक लाश है। लाश है वहां और जिंदा आदमी है वहां, दोनों में, वहां शरीर तो दोनों में है, लाश में भी शरीर है और जो जिंदा आदमी है उसमें भी शरीर है। अगर लाश में वो नहीं है जो जीवंत, जीता जागता वो लाश में नहीं, यहाँ इस जीवंत व्यक्ति में वो जीता जागता वो चैतन्य तत्व है। वाणी में जब भी तुम सुनोगे तो सुन करके तुम उसे इकट्ठा करोगे, तुम उसे इकट्ठा करोगे, मगर तुम्हारा जो इकट्ठा किया हुआ होगा वो इकट्ठा किया हुआ होगा वो एक लाश की तरह होगा। तुम भी शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे, 142 ज्ञान दीपक बोधामृत का रसपान करोगे तो निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होगे, मगर यदि तुम उसको अपने दिमाग में ही स्थान दे दोगे, बस उन शब्दों को मैं मुर्दा लाश कहता हूं कि जिसमें अनुभूति नहीं, जिसमें जीवंत नहीं। इसलिए ज्ञानी के मुख से वाणी जब निकलती है, अज्ञानी उन शब्दों को, उन वाणी को याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, बोल लेता है, लिख लेता है और किसी आगे परंपरा से किसी और को सुना भी देता है, मगर उसकी वाणी में वो जीवंत पना नहीं। वो जीवंत पने का नाम ही अनुभूति है, वो जीवंत का नाम ही स्वयं की अनुभूति है, और स्वयं की अनुभूति उसे, वो स्वयं की अनुभूति के प्राण उसमें नहीं, वहां पर वो लाश है और कुछ भी नहीं। वो जानता बहुत कुछ है मगर उसका जानना, उस जानने का मूल्य लाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और ज्ञानी जिंदा जीवन कि जहां अंतर में अनुभूति के प्राण है, सिर्फ शब्द नहीं है, इसलिए तुम अपने में वो प्राण ढूंढना। मैं यही चाहता हूं कि ये शब्द तुम्हारे पास में शब्द ही न बने रहे, क्योंकि उसका आनंद, उसका अनुभव, अनुभव अनुभव कुछ न्यारा है। एक माँ बेटे को जन्म देती है और वो माँ हो जाती है, बेटे को जन्म दिया और माँ बनी, और एक दूसरी माँ जिसने बेटा गोद लिया, दत्तक ली दो छोकरो, खोड़े ली दो छोकरो, अने माँ बनी, माँ बनवा बनवा माँ अंतर छे, बे माँ बनी छे, माँ केवाई तो छे, बे माँ केवाई छे, दोनों माँ कहलाती है, मगर जिसने जन्म दिया उसके पास में वो प्रसव की वेदना, वो अनुभव है, और अनुभव के साथ में वो माँ है, और ये माँ तो है मगर उसके पास में माँ का अनुभव कुछ भी नहीं, उसके पास में प्रसव का दुख, उसके पास में प्रसव की वेदना, प्रसव का अनुभव, उसके पास कुछ भी नहीं। वहां मां का जन्म हुआ है, जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, यहां मां का जन्म, जब भी बेटा जन्म लेता है, दुनिया में यही कहते हैं कि बेटे को मां जन्म देती है, मां बेटे को जन्म देती है, जितना सच है उतना ही सच ये है कि बेटा मां को जन्म देता है, क्योंकि बेटा यदि होता ही नहीं तो मां पैदा नहीं होती, वो एक स्त्री रह जाती,
मगर माँ नहीं होती। बेटे ने माँ को जन्म दिया कि बेटा पैदा हुआ कि माँ को वो जो माँ का नाम भी मिला वो बेटे के कारण मिला। कहलाता है ऐसा कि माँ ने बेटे को जन्म दिया, मगर माँ ने जन्म लिया है उस समय उसने वो अनुभव की प्रक्रिया से वो पार होकर के वो माँ बनी। अनुभव पूर्वक तुम्हारे अंतर में से, तुम्हारे प्राण में से, तुम्हारे रग रग में से ये चैतन्य की पुकार निकले, ये तुम्हारी स्वयं की अनुभूति वो है ज्ञान दीपक। अब समय व्यर्थ में मत गवाना। अब मैं तुमसे कहता हूं तुम भ्रम में रह जाओ, तुम भ्रमित कि अरे अभी समय है, अभी समय है, अभी थोड़ा और समय है, थोड़ा और समय है। नहीं, इस भ्रम में मत रहना। अभी ये भ्रम ही अनुभूति की यात्रा नहीं करने देता। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो अनुभूति की यात्रा नहीं करने देता। वो बहुत बड़ा भ्रम है, वो यही है क्या कि समय अभी है, समय अभी तो शरीर काम करता है, अभी तो उठकर के घर से यहां आ सकते हैं, जा सकते हैं, बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं, काम कर सकते हैं, समय बहुत है। तुम्हें ऐसा लगता ही नहीं है। इसके पीछे बहुत महापुण्य खर्च होता है, वो तुम्हें पता नहीं, वो तुम्हें किसी की वस्तु तुम्हें किराए पर लेनी है, तुम्हें किराया चुकाना पड़ता है, तब तुम्हें एहसास होता है। किसी की गाड़ी लेकर आए एक दिन के लिए किराए पर, तुम्हें उसका किराया चुकाना पड़ता है, ये गाड़ी मेरी नहीं, इस गाड़ी का किराया मुझे चुकाना पड़ रहा, इस गाड़ी का किराया चुकाना पड़ रहा, ये ऐसे ही नहीं मिली, मगर आई है, थोड़ी देर मेरे घर के पास में है, घर के पड़ोस में ही है, मगर उसके पीछे भी ये बहुत बहुत खर्च हुआ। ये जो हवा ये अभी यहां पर है, और जब मैं सांस लेता हूं, जरे हूं श्वास लू छु, त्यारे आ हवा आम नाक थी मारा शरीर नी अंदर आवे छे, आ हवा नाक थी मारा शरीर नी अंदर आवे छे, अने ए शरीर मां जे हवा आवी ए एक सेकंड माटे आवी, बे सेकंड माटे क्यारे तो एक सेकंड पर न लागी, आ हवा आवी, आ हवा आवी, पण ए हवा आमनाम मारा पाड़ोशमां नथी रही, ए हवा पाड़ोशमां आमनाम नथी रही, एनी पाछळ पण आत्मामां पूर्वना बंधायेला एवा अगणित पुण्य, ए पुण्य खर्चाया छे, नहीं तो आ हवा मारा पड़ोशमां आवी रीते आटलो टाइम मने साथ न आपे, आ पड़ोशमां रहीने आ हवाए साथ आप्यो, एनी पाछळ पण आटलू पुण्य खर्चाई रह्यु छे, ओ पुण्य खर्चा जा रहा है। तुम्हें अभी मेरे शब्द समझ में नहीं आएंगे, मगर दो महीने, चार महीने, साल, दो साल में तुम्हारे सबको ये मेरे शब्द समझ में आएंगे, क्योंकि तुम्हारा बाप मरेगा, तुम्हारी माँ मरेगी, तुम्हारा पति मरेगा, तुम्हारी पत्नी मरेगी, तुम्हारा बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, जब भी जीवन में ये घटना घटित होगी तब तुम्हें मेरे शब्द कान में स्मरण में आएंगे, मगर तब तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तब तुम इतने गम में, इतने आकुल व्याकुल, इतने रोने धोने में इतने आकुल व्याकुल होते होंगे कि तब तुम्हें मेरी
बातों को सुनकर वो समझने का वो विचार भी नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं अभी तुम्हारे पास अवसर है, अभी तुम जागो, अभी तुम चेतो। जागृति प्रति समय का एक क्षण के लिए ऐसा तुम्हारे में साहस आ जाए, एक क्षण मात्र, एक क्षण पर बता रहे थे, एक समय पर्याप्त। आखो दिवस तुम्हारो पर्स तमे खंभाव पर लटका भी रखता हो, आखो दिवस पर्स खंभाव पर लटका भी, थोड़ी बार तो आप उतारी मुखो पार अने जता रहो घर में, भले ये पर्स पार पड़ियो पर एक बार तुम्हारा घर में जाओ, ये साहस जेवू छे, एवू जा साहस छे कि आटला परमाणु आ शरीर ना आ राखनी दीवाल ना परमाणुओ, आ परमाणुओ ने पड़िया रेवा तो बार बार એટલે क्या અહીંયા તે, અને તમે જાઓ ઘરમાં, કયું ઘર? શુદ્ધ આત્માનું ચૈતન્ય પરમાત્માનું અંતરમાં જે ઘર છે, ઘરમાં અંતરમાં જાઓ, તમે જાઓ અંતરમાં ચૈતન્યના ઘરમાં, થોડું સાહસ બતાવો, આ પરમાણુને બહાર મૂકવાની તૈયારી બતાવી, તમને અનુભવ થશે। अनुभूति हुई कि फिर वो सहज तुम
वितराग दशा को प्राप्त होगी, तब फिर तुम्हें कोई प्रतिज्ञा कोई नियम नहीं लेना पड़ेगा। सहज, मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे क्रोध मान माया लोग ये सब नहीं करना, नहीं। अनुभूति हुई कि ये प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी पड़ती। ऐसा कौन होगा व्यक्ति जिसके पास में आंख हो? आंख वाला व्यक्ति, मैं आपको पूछता हूं, क्या आप प्रतिज्ञा लेकर बैठे हो? इस बात की प्रतिज्ञा लेकर बैठे हो कि आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, खिड़की में से नहीं निकलोगे? ये प्रतिज्ञा लेकर नहीं बैठे। क्यों प्रतिज्ञा लेकर नहीं बैठे? इसलिए क्योंकि आंखों से दिखाई देता है, और आंखों से जब दिखाई देता है तब कसम खाने की जरूरत नहीं है कि मैं दरवाजे से निकलूंगा। वो दरवाजे से निकल जाता है, सहज होता है उसका, सहज। जैसे वो सहज दरवाजे से ही निकलता है, खिड़की से नहीं निकलता, क्योंकि आंख है। ऐसे ही जब दृष्टि सम्यक हुई, सम्यक दृष्टि हुआ कि वो अब सहज ही व्रतादि का पालन करता है, सहज ही वो वितराग पद की यात्रा सहज करता है, कोई कसम नहीं। वो ऐसी सहज दशा है, जैसे मैं आपको कहूँ, एक आदमी, उसने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा, ये नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ली, कसम खा ली भगवान के पास में जाकर के आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा। वो जो क्रोध नहीं करूंगा, वो जो कसम ले रहा, खा रहा, वो कसम खाना, ये इस बात को बताता है कि वो क्रोध करने वाला। यदि क्रोध नहीं करने वाला होता तो ये कसम खाने की भी क्या जरूरत थी? कसम को तब खानी पड़ेगी क्रोध करने वाला है। एक सहज स्थिति में आपको कहता, वो कैसी, वो आपको समझ में आएगा, सहज का भाव समझ में आएगा। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितनी बार कसम खाई कि मैं गुस्सा करूंगा? क्रोध करने की कभी कसम खाई आपने? अभिमान करने की कभी कसम खाई? मायाचारी करने की कसम खाई? और वस्तुओं के पीछे, भोगों के पीछे भागने की कभी कसम खाई? जब कषाय को करने की कसम नहीं खाते, वो सहज। और होता क्या है तो मैं आपको कहूं, एक अंदर में वो भाव जो सहज आता है, क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, वो आता है। और यहां जबरदस्ती तुमने कसम खाई कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, माने तुमने अपने को ही दो खंडों में विभक्त कर दिया। एक रूप तो तुम्हारा ऐसा कि इसको क्रोध करने वाला जो असल में है, जो नेचुरल अंदर पड़ा है, और एक क्रिएटिव कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। और क्रिएटिव के तुलना में, उसकी बराबरी में जो नेचुरल है वो ज्यादा जोर वाला होता है, और इसलिए वो कसम कहीं भी चली जाती है और क्रोध हो जाता है, क्योंकि कसम है वो नकली है और वो क्रोध है नेचुरल आता था। नेचुरल का मतलब ये मत समझना कि वो आत्मा का स्वभाव। नेचुरल का मेरा कहने का मतलब ये कि उसके लिए भी तुम्हें कोई प्लानिंग नहीं करना पड़े, उसके लिए कोई कसम नहीं खानी पड़े। जब भी कोई व्यक्ति असली और नकली, असली की बात ही कुछ और, नकली है वो सदा नकली ही रहेगा, नकली सदा हार जाएगा, असली टिक करके रहेगा। और ये जो कसम खाई थी कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये कसम खाना नकली था, कसम खाना नकली था, इसलिए वो कसम टूट जाती है। इसलिए रात को 8 बजे सोते समय अलार्म लगाया कि सुबह 5 बजे उठूंगा, और सुबह 5 बजे अलार्म बजा कि बंद कर दिए, अब कल से उठूंगा, आज नहीं। तो रात को 8 बजे अलार्म लगाने वाला कौन था? वो जो अलार्म लगाने वाला था वो भी सो रहा था, वो भी जाग नहीं रहा था, वो बेहोश था, जागृति में नहीं। जागृति धर्म है, और इसलिए ज्ञान दीपक प्रति समय ये जागृति रही है। सहज होने दो, साधना सहज होने दो, तुम्हारा जीवन उसमय सहज हो जाए। जैसे ये क्रोध का भाव ये सहज आ जाता है, ऐसे ही
कभी क्षमा करना हो तो तुम्हें विचार करना पड़ता है कि मैं उसे माफ कैसे करूं या फिर मैं उससे माफी कैसे मांगू। और जब क्रोध आता है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए विचार भी नहीं करना, प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती कि मैं क्रोध करूंगा। होता है जैसे सहज वो होता है ऐसे ही वितरागता को भी सहज हो, पर जिस समय ऐसा अभी क्रोध को रोका नहीं जा सकता, आता है इतना क्रोध कि क्रोध रोका नहीं जा सकता, और एक समय ऐसा कि जब क्रोध करने की स्थिति सामने आए और तुम कहो कि मुझसे क्रोध होता ही नहीं, वो स्थिति। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, कभी जरूरत पड़ती है गुस्सा करने की तब भी गुस्सा नहीं आता। अब ऐसी स्थिति प्रकट हो कि उसको कहता हूं सहज, कि जिसकी प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी पड़े, जो परिस्थिति आने पर भी वो सहज धारा प्रवाह है। आत्म जागृति का जो सदा काल बना रहे, इसलिए ज्ञान दीपक तुम्हें ये 23वां बोधामृत बेटी की तरह बेटे से भी आशा मत रखना। राग की पर्याय या वितरागता की पर्याय या फिर गुणों के भेद उनकी और भी नजर मत करना और आशा अपेक्षा उनकी और भी मत रखना। ये इस बोध का, इस बोधामृत का सार है। द्रव्य दृष्टि प्रति समय बनी रहे, और प्रति समय द्रव्य दृष्टि जहां बनी रहे ऐसी संगति सदाकाल बनी रहे, ऐसा सत्संग सदाकाल बना रहे। मृत्यु होने तक अनुभूति हो या ना हो, मगर मृत्यु होने तक ऐसा तो अवसर नहीं आए कि जहां चैतन्य की पुकार कान में पड़ती बंद हो जाए। सदाकाल ये द्रव्य सत्ता स्वरूप, बस वो जागृति का जोर और उस जागृति के जोर का अभ्यास जिस संगति में हो ऐसा सत्संग बना रहे। आप परमात्माओं ने वो सत्संग करने का मुझे अवसर दिया है।